फर्स्ट इंडिया की खबर का असर, स्टूडेंट्स को राहत। भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टियां 11 मई से, स्कूलों में छुट्टियां, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश। गर्मी से बच्चों को अब राहत मिलेगी क्योंकि अब कल से ये छुट्टियां दे दी गई हैं। वजह कि क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप कल का तापमान देख लें तो कल भी तेजी से प्रदेश में तापमान बढ़ता नजर आया और आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। और इसको देखते हुए अब जो छुट्टियां हैं बच्चों की कर दी गई हैं, जिससे राहत बच्चों को मिले, क्योंकि ऐसे समय में बहुत सारी बीमारियां जो हैं पकड़ लेते हैं। और जब बच्चे स्कूल आते हैं इतनी भरी गर्मी में, तो तमाम जो बीमारियां हों वो ना हों, गर्मी लू से जो होती हैं, ऐसे में जो अब छुट्टियां हैं वो बच्चों की कर दी गई हैं कलेक्टर को, क्योंकि पहले भी ये पावर दी गई थी कि वो चाहे तो टाइम में बदलाव कर सकते हैं और चाहे तो अवकाश कर सकते हैं। तो ऐसे में टाइम में बदलाव किया गया था, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक स्कूलों को खोला गया था, यानी कि टाइम को बदल दिया गया था, जो कि 1 बजे तक, 2 बजे तक स्कूल खुलते थे, उसको समय अवधि को कम कर दिया गया था और जल्दी बच्चों को स्कूल से घर भेजा जा रहा था। लेकिन क्यों अब तेजी से जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और ज़्यादा तेज गर्मी हो गई है, भीषण गर्मी हो गई है। हीट वेव के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि और तेजी से अब चलेगी और ऐसी ही गर्मी तपन जो है वो आने वाले दिनों में नजर आएगी। ऐसे में अब 11 मई से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, जिलों की। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भंवर कोटा से, तो राजीव जोधपुर, लूणानाम जालौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं, जोधपुर। राजीव, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी पहले 11 बजे कर दी गई और उसके बाद अब क्योंकि भीषण गर्मी शुरू हो गई है तो ऐसे में छुट्टियां भी कर दी गई है। मेरा छुट्टियां वाला किसे अच्छा नहीं लगती, चाहे आप और चाहे मैं और चाहे अब बच्चे। बचपन तो हमेशा ऐसा लगता है कि जब छुट्टियां होंगी, और वैसे भी ये जो टाइमिंग है ये आमतौर पर गर्मी की छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टी को से जोड़ सकते हैं। हालांकि कोरोना के दो दो लहर देखी, तीन तीन लहर देखी, चौथी लहर का खतरा, भीषण गर्मी का खतरा। देखिए बच्चे के आज लास्ट वर्किंग डे था, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं और खुश नजर आए भी क्यों रहे हैं। जिस तरीके से कहते भी हैं कि छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, खूब धमाल मचाएंगे। जरा बात करते हैं, क्या नाम आपका? अदिति। आप छुट्टियों में क्या क्या करेंगे? नानी के घर जाएंगे, मस्ती करेंगे। तो देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम आपका? राघव। राघव, क्या करोगे गर्मी की छुट्टियों में? मुझे कहूंगा नानी के घर पे जाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा। क्या नाम आपका? लक्स। क्या करोगे लव उसमें आप छुट्टियों में? मैं पढ़ाई। पढ़ाई करोगे, वेरी गुड। क्या नाम आपका? कूदूंगा, साइकिल चलाऊंगा। आपका क्या नाम है? रानी। क्या करेंगे छुट्टियों में? नानी के घर जाऊंगा। अरे कि ज्यादातर जो बच्चे नानी के घर जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो क्या सोचते, जरा बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से छुट्टियां हो गई है, गर्मी को देखते सरकार ने छुट्टियां की, क्या कहेंगे आप? यही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा है ना टेम्परेचर हाई की वजह से उनको वॉमिट, ऐसी बीमारियाँ बहुत होती है, लेकिन अपन को केयरिंग होना पड़ता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, वो खिलानी चाहिए ताकि बच्चे स्ट्रांग रहे। उससे जूस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कैसे देखते हैं, अब ठीक किया सरकार ने? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही ठीक किया है सरकार ने। इसके बाद में गर्मी में अगर बच्चों को छुट्टी मिल जाएगी तो 1-2 घंटे की पढ़ाई तो हम घर पर भी करा सकते हैं, लेकिन ये जो बीमारियाँ चल रही है इनसे बच्चों का थोड़ा बहुत बचाव रहेगा तो बच्चे आगे। आपको लगता है कि बच्चों की बस्ती अपनी अलग होती है, तो छुट्टियों में आराम से वो रेस्ट वेस्ट कर पाएंगे पूरा? हाँ, पूरा एंजॉय कर पाएंगे, प्लस एक्टिविटीज़ हो जाएगी, डांस क्लासेस, स्विमिंग विमिंग। मेरा देखो बच्चों की बस्ती भी दिखाते थे, जरा छोटे छोटे बच्चे, उनकी दुनिया बहुत अलग होती है। वन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कोई भेद नहीं, कितना मन साफ होता है। छोटे छोटे प्यारे बच्चे, इधर देखिए ये मासूमियत से भरे बच्चे, ये बच्चे जो होते हैं अभी भी हम जब बड़े हो जाते लगता है कि क्योंकि ये टाइम पे होता है। अगर सामान्य दिनों की बात करें कोरोना काल को छोड़कर, तो ऐसा होता था कि जब मई जून का समय आता था तो बच्चों की छुट्टियां हो जाती थी और वो खुश नजर आते थे। तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लूणाराम भी जुड़े हैं, भंवर भी जुड़े हैं। भंवर, आपका रुख करेंगे कोटा में, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे होंगे, छुट्टियां हो गई हैं तो वहीं गर्मी बहुत भीषण कोटा में भी। बिल्कुल, देखिए मैं एक क्लासरूम की तस्वीर आपको दिखाऊं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बच्चों की तस्वीर दिखाऊं। देखिए आप, ये बच्चे हैं जो कि फिलहाल आज अंतिम जो वर्किंग डे है, लास्ट जो वर्किंग डे है, उसकी पढ़ाई करने के बाद बाहर निकले हैं। और इसके बाद ये क्लासरूम्स देखिए, ये क्लासरूम जो कि बच्चों से गुलजार रहते थे, अब ये क्लासरूम आपको सूने नज़र आ रहे हैं, खाली नज़र आ रहे हैं। और बच्चों में फ़िलहाल उत्साह है
घर जाने का, छुट्टियां मनाने का, लेकिन साथ में उनको बहुत सारा होमवर्क भी जाहिर तौर पर थमाया गया है। चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल मैम से आपकी बात कराऊँ, पहले ही छुट्टियां हो गई है गर्मी की, कोरोना काल के चलते बहुत समय तक क्लासेस सुनी रही, या फिर से एक तरह से गर्मी ने जो है वो एक तरह से फिर से क्लासों को सुना कर दिया। लेकिन मैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हीट वेव्स जो चल रही हैं जिस तरह से, तो बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को स्कूल आने जाने में, गेम्स में प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, गेम्स और एक्टिविटी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं, पर इतनी गर्मी को देखते हुए मतलब कुछ अच्छा सा नहीं था, तो मैं सोचती हूँ ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा। चलिए तो देखिए, गर्मी जिस तरह से अलकान कर रही थी, बेहतर डिसीजन बच्चों के लिए। चलिए कुछ बच्चों से आपकी बात कराएंगे। बेटा आप क्या प्लान किया है, छुट्टियाँ तो होने वाली है? हम कहीं वी आर गोइंग टू अ ट्रिप, अ चिल ट्रिप, एंड वी विल डू फर्स्ट वी विल कम्प्लीट आवर हॉलीडे होमवर्क, देन द टीचर वी गिव एंड वी विल एंजॉय आवर वेकेशन। ठीक है, वेकेशन एंजॉय करते हैं बच्चे साथ ही साथ, क्योंकि छुट्टियां मिलती है। फर्स्टली कितने डिसिप्लिन बच्चे, और आपने क्या तय किया है? I am very excited for this summer vacation and I am doing fully well. तो नानी के घर जाएंगे, वेकेशन को एंजॉय करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, होमवर्क बहुत सारा मिलता है तो वो करेंगे। तृप्ति, गर्मी तो जयपुर में भी बहुत ज्यादा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, आप कहाँ पर मौजूद हैं, और क्योंकि अब कल से जब छुट्टियाँ हो रही हैं तो ऐसे में बच्चे कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? लिया गया है कि कल से स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कर दी जाएंगी, बच्चों को जो राहत है गर्मी से वो दी जाएगी। उसी को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ 22 गोदाम के सरकारी स्कूल पर। जैसे कि मेघा, 11 बजे बच्चों की छुट्टियां हो जाती है तो ये स्कूल भी सूना हो चुका है, बच्चे जो है वो जा चुके हैं और जो क्लासरूम्स हैं वो आज से ही सूने हो चुके हैं और वो आगे के कई दिनों तक ऐसे ही रहने वाले हैं। गर्मियों की छुट्टी जो है वो हमेशा ही सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है मेघा, वो बच्चों के लिए नानी के घर जाना हो या फिर अपने फेवरेट हॉबीज को फॉलो करना हो, वो सारी चीज़ें जो है वो गर्मियों में ही हमें देखने को मिलती है। और इसी को लेकर अभी जो गर्मी ज्यादा होती जा रही है, जिस तरीके से टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर जो डिसीजन लिया गया था कि कल से अवकाश कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले यह भी बोला गया था कि जो स्कूलों का समय है वो कम कर दिया जाएगा, लेकिन उससे भी शायद जो स्थिति है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, और इसी को लेकर बोला गया कि कल से अवकाश है। कोरोना की जो चौथी वेव है मेघा, उसको लेकर भी लोगों में जो दहशत है उसमें भी जो ये डिसीजन है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल जो है साबित होगा, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि हीट वेव भी चल रही है और अब बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की छुट्टी हो जाए। लूणा राम, जालौर की क्या तस्वीरें हैं? जालौर में भी देखा जाए कि तेज गर्मी का जो दौर है वो लगातार जारी है, 45 डिग्री के पार पा रहा है, और ऐसे में कल से गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे कल से एंजॉय करेंगे, अपने नानी के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। तमाम बच्चे 9th क्लास के मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ क्योंकि अभी इनके एग्जाम चल रहे थे, अब एग्जाम खत्म होंगे तो ढेर सारी इनकी प्लानिंग है पहले से ही कि किस तरीके से गर्मी की छुट्टियों का एंजॉय करेंगे। क्या क्या प्लानिंग है? गर्मी की छुट्टियाँ कल से शुरू हो रही है, ढेर सारा एंजॉय करने का समय आएगा। मैं पहले तो नानी के घर पे जाऊंगी, वहाँ पे मतलब नाना मामी की शादी हुई है अभी, मामा मामी की, तो उनसे मिलूंगी, उनके साथ रहूंगी थोड़े दिन, और भी बहुत सारी चीज़ें करूंगी, जैसे खाना बनाना सीखना है, नई नई चीज़ें बनाना सीखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्राइंग जैसे क्राफ्ट बहुत सारे बनाना वगैरह, और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखूँगी और भी आगे अपने जो बनना है उसके लिए। और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या प्लानिंग है। गर्मी की छुट्टियाँ हो गई है, कल से एग्जाम खत्म होने वाले हैं कल, उसके बाद गांव जाऊंगी दादा दादी के पास, उसके बाद ननियाल जाना है और इंग्लिश भी सीखनी है आगे, 10th बोर्ड में वगैरह इंग्लिश के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उसके लिए 10वीं की तैयारी भी करनी है और चीज़ें सीखनी है बहुत सारी, घर में जो बेस्ट चीज़ें उनसे डेकोरेशन करना वगैरह वो भी। कल से छुट्टियां शुरू हो रही है, तेज गर्मी है, ऐसे में तो अब नहीं, नहीं, राहत मिलेगी बच्चों को, क्रिएटिविटीज भी करनी है, तो सबसे ज्यादा जो उत्साहित बच्चे नजर आए वो नाना नानी दादा दादी के घर जाने से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।